मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद व्यवस्था को लेकर कहा कि प्रदेश में खाद की पर्याप्त व्यवस्था है। खाद व्यवस्था के संबंध में जो अफवाह फैलाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। शिवराज ने कहा, किसान भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद व्यवस्था को लेकर किसानों को आश्वस्त किया है कि प्रदेश में खाद की पर्याप्त व्यवस्था है। खाद की आपूर्ति निरंतर जारी है, रैक निरंतर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, किसान भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। किसान भाई आवश्यकता अनुसार खाद लें। कुछ लोग प्रदेश में भ्रम, अफवाह और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गड़बड़ करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में खाद की आपूर्ति निरंतर की जा रही है, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, हम खाद की कोई कमी नहीं आने देंगे। खाद के रैक निरंतर आ रहे हैं, कमी नहीं है। तकनीकी कारणों से थोड़ी सी दिक्कत बीच में आई थी, लेकिन खाद की उपलब्धता है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। आवश्यकता के अनुसार खाद आपको मिलेगी, हम उपलब्ध कराएंगे, और इसलिए जैसी जरूरत है वैसी खाद प्राप्त करें। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं प्रदेश में, ऐसे लोगों से हम सख्ती से निपटेंगे। कोई गड़बड़ करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।